इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोलकाता में बड़ी खबर, कोलकाता से, जहां पर सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी हो रही है। सुरक्षा बलों पर टीएमसी समर्थक पत्थर बरसा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक कर दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के दो मंत्रियों और एक विधायक के साथ ही एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ममता बनर्जी भी सीबीआई ऑफिस पहुंच चुकी हैं। उनका कहना यह है कि जब तक सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करती, तब तक वो यहां से नहीं जाएंगी। वो अपने मंत्रियों के साथ खड़ी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है। सुरक्षा बल इन्हें यहां से हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इधर रस्साकशी भी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल एक तरफ लाठीचार्ज भी कर रहे हैं इन्हें खदेड़ने के लिए, तो वहीं ममता बनर्जी के समर्थकों की ओर से पत्थरबाजी भी हो रही है। सीबीआई दफ्तर के बाहर ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना यह है कि जब तक सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगी, तब तक वो वहां से नहीं जाएंगी। और जब तक वो वहां से नहीं जाएंगी, तब तक सीबीआई दफ्तर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ भी लगी रहेगी। अब आप देख सकते हैं, इन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं और अब लाठीचार्ज की भी नौबत है। ममता बनर्जी के समर्थकों की ओर से पत्थरबाजी भी की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला नारदा स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसमें आज सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया। ये टीएमसी के चार नेता हैं, जिनमें से दो मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, एक पूर्व मेयर हैं, जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया। इसी बड़ी खबर पर और जानकारी और डिटेल्स आपको देंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।